Salam everyone, welcome back. In today's video, I will be sharing with you guys how I made this morning circle time board for Ziad. इससे पहले मैं 3 videos already बना चुकी हूँ. I'm gonna link them down below in the description box. वो मैंने ज़िया के लिए बनाई थी when he was like 3-4, you know, 5 years old. तब हम वो use करते थे. And now I have made this after a really long time for Ziad. So इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने बनाया कैसे और आप भी इसको कैसे ईजिली बना सकते हैं. एंड इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी हैं. वहाँ पर जाके यू कैन गो एंड डाउनलोड दैम, प्रिंट दैम एंड देन यू कैन यूज़ दैम ऑन योर मॉर्निंग सर्कल टाइम बोर्ड एज वेल. अच्छा, मॉर्निंग सर्कल टाइम बोर्ड को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है, बच्चे को डिफरेंट कॉन्सेप्ट आप सिखा सकते हैं इन अ फन वे. जब बच्चा ये पूरा बोर्ड देखता है ना, तो समहाउ इट जस्ट ग्रैब्स देयर अटेंशन सो फास्ट. या एक साथ भी ऐसा होता था कि वी वुड टेक लाइक 20-30 मिनट्स समटाइम्स ऑन दिस बोर्ड एंड ही वुड जस्ट सिट देयर एंड देन वो उसको बहुत शौक से करता था. तो शायद बहुत सारी कलरफुल चीज़ें बच्चों को समहाउ अट्रैक्ट करती हैं. अच्छा, शुरू में जिसे ज्यादा को मैं अब जिससे कल फर्स्ट टाइम कराऊंगी लाइफ में मॉर्निंग सर्कल टाइम बोर्ड, आई एम नॉट गोना टेक लाइक 20 मिनट्स. आई विल ट्राई टू लिमिट इट टू लाइक 5-10 मिनट्स एंड उसमें मैं वो ही एक्टिविटीज़ कराऊंगी इसमें जो कि थोड़ी सी यू नो हैंड्स ऑन होंगी. फॉर एग्जाम्पल, ये जो व्हील्स हैं दे ऑल आर बाय द वे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो, यू कैन गो एंड डाउनलोड दैट. तो इनको फिर बहुत आसान है, बच्चे से आप पूछिए कि सीजन क्या है, देन यू कैन पॉइंट टू इट, उसको बहुत अच्छा लगेगा, आके उसको चेंज करेगा एंड उसको बहुत मज़ा आएगा. एंड यू कैन टेल हिम कि इट्स समर, सो लेट्स पॉइंट टू समर्स. बाहर जाके देखो विंडो में वेदर क्या है, देन यू विल सी ये क्लाउडी है, रेनी है, सनी है, प्रॉबली सनी, सो इट्स गोना पॉइंट दैट टू सनी. एंड दिस इज ऑल्सो रियली फन, बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है ये वाला व्हील कि हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ, आर यू हैप्पी, आर यू सैड, आर यू एम्बैरस्ड, आर यू बोर्ड. तो यही मुझे याद है, ऐसे बोर्ड करता था वो जल्दी बोर हो जाता था, लेट्स सी याद क्या करता है कल. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू. एंड इसके अलावा टाइम आप थोड़ा सा, क्योंकि छोटा है ज़्यादा भी, तो हम उसको लिखने के लिए यहाँ पे नहीं कहेंगे. उसके लिए बाय द वे दिस इज अ लैमिनेटेड वन, सो यू कैन यूज़ अ मार्कर. यहाँ पे जो भी टाइम है आप आराम से यहाँ ऐसे करके बच्चे को जो जिसको लिखना आता है उसे लिखवा सकते हैं कि टाइम वहाँ पे लिख दो. ठीक है, तो ज़्यादा को मैं पॉइंट करा दूँगी क्योंकि स्मॉल मैन को आप जो भी टाइम हो रहा है उसको पॉइंट कर दो. ठीक है, देन वी हैव अ कैलेंडर हियर और इसको अगेन आई विल शो यू कि मैंने कैसे बनाया है, बहुत आसान है. देन वी हैव टेस्टिंग ऑफ इस्लाम, वी हैव दिस, इसमें आप सॉन्ग गाया करेंगे, डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर्स, देन यू हैव अ 100 चार्ट एंड ये सब पॉकेट्स हैं. एंड आई विल शो यू हाउ आई मेड दोस, रियली ईजी. तो इसमें जो है ना आप चेंज कर सकते हैं, आपने 100 नहीं कराना चार्ट तो आप इसको यहाँ से चेंज करके, सॉरी निकल नहीं रहा, फंसा है, इसको निकाल के आप ABC पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं जिस हफ्ते में, लाइक आप कैपिटल लेटर्स आपको लग रहा है बच्चा याद नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर यू कैन जस्ट पुट लाइक 1 लेटर उस पर पेपर पर ए लिख के, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, देन यहाँ पे इसमें डाल दें. तो एवरी डे, क्योंकि ये इट्स अ डेली ड्रिल, ठीक है, आपने रोज़ करना होता है, तो रोज़ यहाँ पे यू कैन जस्ट पॉइंट दैट एंड टेल व्हाट इज इट्स लेटर, इज अ लेटर ए, जो भी आपने कराना है, जस्ट लेटर्स, नॉट जस्ट नंबर्स, एनीथिंग दैट यू वांट. कोई आपने जैसे यहाँ पे दुआ याद करानी है तो ये भी जो है पॉकेट्स पर नहीं, यू कैन चेंज. आपने यहाँ महीने में करानी है, आपने एक हफ्ते में करानी है. यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स हैं, देन यू हैव बच्चे को मैनर्स सिखाने के लिए मैंने कुछ प्रिंट लिए हुए हैं. इसके अलावा कार्ड्स भी आते हैं, खरीदे भी जा सकते हैं, उनको आप एक कार्ड रोज़ डाल दें या 3-4 दिन बाद कार्ड चेंज करें एंड उस पर बच्चे को अमल भी करवाएं. तो दैट्स एक्चुअली मोर फन की आप बाकी बच्चे को बोलेंगे चलो आज लेट्स जो हमने पढ़ा था मॉर्निंग सर्कल टाइम बोर्ड में, लेट्स यू नो प्रैक्टिकली आल्सो डू दैट. सो अगेन यहाँ पे पोम है, रियली फन, इसको भी हम गाया करेंगे. सो दिस इज बेसिकली इट, इट्स रियली फन फॉर द चाइल्ड टू डू दैट. सो लेट मी शो यू नाउ हाउ आई मेड दिस. ओके गाइस, सो हियर इज एवरीथिंग जो मैंने अभी तक स्टिक नहीं की, ठीक है, आई हैव जस्ट प्लेस देम द वे आई वॉन्ट. ठीक है, यहाँ पे आपको पता है पहले भी मॉर्निंग सर्कल टाइम बोर्ड में व्हाट आई लाइक इज इस साइड पे सारे व्हील्स होंगे, इन सब के लिंक्स के मैंने कहाँ कहाँ से खरीदे हैं आई विल लिंक देम डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यहाँ पे आई लाइक द टेस्टिमनी ऑफ इस्लाम, दिस इज ओवर हियर. अभी आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ चेक किया है कि किस तरह से मुझे चाहिए. अगर मुझे कुछ अरेंजमेंट चेंज करनी है तो आई विल जस्ट मेड यू लाइक, अच्छा इसको यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं, जस्ट सी लाइक हाउ इट लुक्स, जिस तरह से मुझे अच्छा लगता है. सो देर अ लॉट ऑफ कलर्स हियर ऑलरेडी, सो अपने लुक यहाँ पे सारा वाइट हो जाएगा, यहाँ कलर्स हो जाएंगे, सो इट डज वेरी वेरी नाइस. सो इस तरह से मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है. तो आपको सबसे पहले तो जब बोर्ड ले लेना है ना, कि वाइट बोर्ड, इसको वाइट फोम बोर्ड आई थिंक कहते हैं, आई गॉट दिस फ्रॉम इस्लामाबाद, नहीं पिंडी, आई थिंक चकलादा स्कीम 3 में एक स्टोर है अली बुक्स के नाम से. बस जस्ट मेक श्योर कि उनको समझ में आए कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, क्योंकि मैंने जब डिफरेंट बुक शॉप्स में पूछा था कि मुझे ये फोम बोर्ड चाहिए,
तो दे कुडंट गेट इट कि मैं क्या कह रही हूँ, अक्सर मुझे स्टायरोफोम वाला कह समझ रही थी। पर इवेंचुअली फिर एक ने हमें ऊपर से कहीं से निकाल के दिखाया, आपको ये तो नहीं चाहिए, इसको पता नहीं ये लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट कहते हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं बच्चे। सो जस्ट मेक इट क्लियर, उसको समझाने की कोशिश करें कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, ठीक है। सो दिस इज नाइस, यू कैन सी कि ये उन्होंने उसको स्मूदर किया हुआ होता है, वही स्टायरोफोम ही है पतला सा, उसके ऊपर उन्होंने ये पेपर सा लगाया होता है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई नीडेड, ये ले लिया। उसके बाद ये सब चीज़ें जो मेरे पास प्रिंटेड फॉर्म में थी, इन सब के लिंक्स इसके इसके, ठीक है, एंड पेंटिंग्स तो मैं आपको सेपरेटली बताऊँगी, देन ये जो पोम है इसका भी लिंक, इन सब के जो जो लिंक्स मेरे पास है ना, आई लिंक डाउन बिलो, देन यू कैन प्रिंट देम, एंड देन इनको मैंने फिर लैमिनेट किया हुआ है। ये लैमिनेटेड है, इसका क्या फ़ायदा है कि ऑब्वियसली ख़राब नहीं होगा। ये देखिए साथ मैंने इसको भी कट करके लैमिनेट किया हुआ है, एंड देन इसको व्हाट आई एम गोना डू इज, वो जो सिंपल पिन होती है ना, उसको फिर यहाँ पे जिस कैन पिन है, और पिछली साइड पे क्योंकि वो पॉइंटी होगा तो मैंने पूरा फोम देर और उसको उसके ऊपर टेप लगा दूँ, मैंने शो यू वंस इट्स डन, ठीक है। देन ये जो बीच में आपको मैंगो नज़र आ रहा है ना, यहाँ की दफ़ा आई यूज एन ऑरेंज, तो अभी हम पाकिस्तान में हैं, लेट्स यूज़ अ मैंगो, हम उसको बेस यूज़ करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर आई विल मेक अ कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर बनाऊंगी, उसको भी मे बी लाइक आई विल पुट अ टेप ऑन इट, ताकि वो इरेज होके टेप के ऊपर आप मार्कर से जब लिखते हैं तो यू नो, जब उसको बस ना टेप नहीं, आई हैव द थिन वन, थिक वाली टेप लूँगी, उसको पूरा टेप से लैमिनेट कर दूँगी। लैमिनेट करने का ये भी तरीका होता है, एक ना चीप वे एंड यू नो DIY लैमिनेशन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। टेप उसको पूरा टेप कर दें, साइड वाले सारा टेप कट कर दें, फिर उसके ऊपर फिर आप लाइन्स लगाएं ब्लैक मार्कर से, ठीक है, एंड देन कैलेंडर्स के जो नंबर्स हैं मंडे ट्यूजडे वेंसडे व्हाटएवर जिस मंथ में जो भी चल रहे सीक्वेंस, उसको फिर आप लिख सकते हैं, देन यूज दैट फॉर द मंथ, देन अगले मंथ में थोड़े चेंज हो जाते हैं, इरेज द होल ऑफ इट, उसके टेप के ऊपर आराम से इरेज हो जाता है, देन चेंज द डेट्स, ठीक है। सो इस तरह से हो गया। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू आर गोना नीड ए प्लास्टिक शीट, इस तरह की प्लास्टिक शीट जो पेपर जो कॉपीज पे कवर चढ़ाने के लिए यूज होती है, इसको हम यूज़ करेंगे, एंड देन वी कैन कट देम इनटू पॉकेट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी पॉकेट की जरूरत नहीं है, पर इसको हमें किसी पॉकेट पे लगाना है, वी आर नॉट गोना पेस्ट इट डायरेक्टली, ठीक है, इस फोम बोर्ड के ऊपर, क्योंकि हर दफ़ा जब आप अगले महीने डिफरेंट फोम करेंगे, ठीक है, इसको आप हटाएंगे तो टेप से ख़राब होगा। सो हमने यहाँ पे एक ही दफ़ा टेप यूज़ करके इसकी पॉकेट्स ही बना दी है यहाँ पे, एंड उस पॉकेट के अंदर भी इवन दिस स्लाइड हर महीने यू विल चेंज, इसको भी आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे भी पॉकेट बना दें, किसी दिन यहाँ पे आप ABC कराना चाह रहे हैं किसी महीने के, यार ABC पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बच्चे को याद नहीं हो रहा कैपिटल लेटर्स, तो फिर ABC यहाँ लिख के जो आपका प्रिंट होगा उसको उस पॉकेट में डाल देंगे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे इन सब की इसकी भी पॉकेट बनेगी, इसमें मैं दुआस कराया करूँगी, बस मैंने ऐसे एक बेस यूज़ किया जस्ट मेक इट अ बिट प्रीटी, इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये मस्जिद नहीं चाहिए तो यू कैन जस्ट टेक अवे दैट, एंड यहाँ पे डायरेक्टली पॉकेट बना दें डिफरेंट दुआस डालने के लिए। ये वाला बट आई लाइक दैट, मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था, तो मैं ज्याद को दूंगी कि कलर करें इसको, देन इसको परमानेंट लगा दूंगी, देन उसके ऊपर पॉकेट बना दूंगी, इस पॉकेट के अंदर फिर यू कैन प्लेस द दुआस, ठीक है। इनको पॉकेट्स की जरूरत नहीं है, इनको छोटी सी टेप लगाती है ना पीछे से, जस्ट आई मेक श्योर कि वो उतरे मत, तो इन तीनों को जो है ना सॉर्ट ऑफ परमानेंट यहाँ पर लगा दूंगी, इनके लिए पॉकेट्स की जरूरत नहीं है, इन पर पॉकेट्स अच्छी भी नहीं लगेंगी, इसके लिए भी पॉकेट, इसकी भी पॉकेट जरूरत नहीं होगी, हमेशा से रहेगा जस्ट मैंने फैसला, देन इसमें ज़रूरत है पॉकेट की, इसमें भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी परमानेंट स्टिक कर देंगे, इसको भी परमानेंट स्टिक कर देंगे, ठीक है, टेप से यही डायरेक्ट हम उसको टेप कर देंगे, इसको भी फिर हम लैमिनेट करके परमानेंट कर देंगे, एंड ये जो मैनर्स की कुछ पेजेस मेरे पास प्रिंटेड हैं, एंड कुछ और भी मेरे पास मटीरियल है मैनर्स का, आई हैड सम कार्ड्स, तो उनको भी यहाँ पे पॉकेट में बना दूंगी, देन कैन चेंज। ओके गाइस, सो इट्स बीन एन आवर मुझे बनाते हुए पॉकेट्स, दिस इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग पार्ट मॉर्निंग सेट टाइम बोर्ड में, ये बनाना पॉकेट्स, क्योंकि आपने वो शीट काटनी होती है उसके साइज़ के हिसाब से, मैंने बहुत रफली काटी है, मैंने बिल्कुल एक्यूरेसी की तरफ में नहीं गई क्योंकि टाइम नहीं है इतना टाइम नहीं है कि बंदा बैठ के वो नीट लुक भी देने की कोशिश करे। So that's what I'm doing right now. This is the last one, last pocket. So
सो आई थॉट आई शुड शो यू एज वेल ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मैं कैसे कर रही हूँ. यू नो ठीक हो गया. अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको मैं काटूँगी. और ये काटना जो है ना, ये जो कवर शीट्स होती हैं, इट्स नॉट वेरी फन टू कट दीज शीट्स. मैंने लास्ट टाइम बनाया था लेमिनेटिंग शीट्स जो होती हैं ना, वो थोड़ी हार्ड होती हैं, उनसे बनाया था. उससे काफ़ी ईजी था बनाना क्योंकि वो जाहिर है एक फॉर्म उन्होंने अपनी पकड़ी होती है. ये तो बस इट्स सो हार्ड इसको कट करना बिकॉज इट कीप्स मूविंग. बट देन लेमिनेटिंग शीट्स मेरे पास सऊदीया में थी, वहाँ पे इतनी एक्सपेंसिव नहीं लगती थी आपको चीज़ें. यहाँ पे एक तो जाम बहते हैं, मुझे लेमिनेटिंग शीट्स नज़र भी नहीं आई. सस्ती वाली भी होती हैं, वो होती तो मैं वो ले लेती. एंड आई डोंट वांट टू वेट कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँ दराज से और वो आए. और फिर क्योंकि मैंने ये कल से ज़्यादा को करवाना शुरू करना है, एंड आई डोंट वांट टू वेट एनी मोर. ओ ये देखिए, अब मैं टेप से इसको लाइनमेट कर रही हूँ. सो ये तीन लाइन्स मैंने लगा दी हैं, ठीक है. इसके बाद हम गए इस तरह से लैमिनेट, इसको कहते हैं लैमिनेट करना, DIY. साइड वाला जो है इसको हम बाद में जब एक दफ़ा फुल लेमिनेट हो जाए फिर हम साइड वाले आराम से काट देंगे, ठीक हो गया. ओके सो ये देखें, ये लेमिनेट हो गया साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं. इसको हम आराम आराम से, ये सीजर जो है ना मेरी बहुत पुरानी हो गई है. ओके सो आई गॉट अ बेटर वन एंड आई एम गोना ट्राई विद दिस वन नाउ. प्लीज अल्लाह कट जाए, नहीं कट रहा. ओके लेट्स ट्राई टू डू एज मच एज आई कैन. नहीं तो इसको पीछे भी आप कर सकते हैं. बट आई वुड लाइक टू जस्ट कट इट. गाइस सो दैट वाज अबाउट इट. ये पूरा कंप्लीट हो गया है. इस पर आपने देख लिया कि जैसे मैंने सितंबर चल रहा है मंथ, तो मैंने सारे सितंबर के कर दिए. व्हाट यू विल डू इज एवरी डे जब आप किया करेंगे तो आपने बच्चे को मार्कर पकड़ाने हैं. रियली फन फॉर द किड्स. इसलिए इट्स मोर लाइक एन इंटरैक्टिव बोर्ड, इसलिए बच्चे इंजॉय करते हैं. देयर इज सम सिंगिंग इन इट, देयर इज सर्कलिंग, देयर इज पॉइंटिंग द एरोस, चेंजिंग द एरोस. इसमें भी जो भी डेट होगी, फॉर एग्जाम्पल आज संडे है, द डेट इज 17 टुडे, सो ही इज गोना सर्कल 17 मार्कर के साथ, ठीक है. कुछ खराब होते तो दस फाइन भी किया, आपको पता है लैमिनेटेड है. लेट मी शो यू इट, इजीली इरेज. ये देखिए इरेज हो गया. सो दिस इज सो नाइस. ये देखिए टेप अच्छी थी ना, तो इतना अच्छा इरेज हुआ है कि बिल्कुल इस पर कोई ब्लैक निशान भी नहीं आ रहा. सो या सो दैट्स फॉर इट. अच्छा मैं इंशाल्लाह सून जिस दिन मैं ज़ियाद के साथ ये करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ पूरी वीडियो भी शेयर करूँगी किस तरह से हमने इसको इस्तेमाल किया है. इसके साथ एक फाइल फोल्डर है जो हम यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको उस वीडियो में इंशाल्लाह दिखाऊंगी. बट फॉर नाउ आई वुड लाइक यू गाइज टू स्टार्ट मेकिंग दिस. वन मोर थिंग, अगर आपको फोम बोर्ड मिलना, मुझे इतनी मुश्किल हुई है फोम बोर्ड ढूंढने में, अगर आपको फोम बोर्ड नहीं मिलता गत्ता यूज़ करें. आपको पता है मैंने ABC चार्ट जो बनाया था, मैं लिंक इट डाउन बिलो, उसमें मैंने सिंपली एक हार्ड गत्ता यूज़ किया था, ठीक है. इसलिए मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि जो कार्डबोर्ड्स होते हैं उनको ना फेंकें. बच्चे छोटे बच्चे आपके घर में ना, तो कार्डबोर्ड्स बहुत यूज़ होते हैं, तो आप उसको बेस बना के उसको ज़्यादा आपने अच्छा करना है तो चार्ट्स खरीदें, चार्ट्स से उसको कलरफुल कर दें. अगर आपको गत्ते की अच्छी नहीं लग रही लुक, या उस पर कुछ लिखा हुआ है गत्ते पर, किसी चीज़ का होगा तो जाहिर है कुछ उस पर लिखा हुआ है, तो जस्ट यूज़ सम चार्ट्स एंड उससे उसको कवर कर दें टेप से अच्छी तरह, देन उसको एज अ बेस यूज़ करके यू कैन डू ऑल दिस. Okay, so thank you so much for watching. Let me know if you have any questions down below. I will try my best to answer you guys. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.